जल्दी से सामान सारा समेट लें। जी मैं ये जल्दी से सब काम कर लूं, चीजें चीजों की जगहों पर रख दूं। तो देखें प्लीज, इस तरह के हादसा जिंदगी में और फैमिलीज में होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त सुबह के 9:10 हो रहे हैं कि आपने कल के व्लॉग में देख लिया था, हम कराची आ गए हैं और ये हमारा सामान जैसे जहाँ पड़ा हुआ था वैसे ही वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि इनम के फादर को हम जैसे ही आते ही हॉस्पिटल गए और फिर उनको हॉस्पिटल से ले आए और बस वहाँ पर घर पे गए उनके, वहाँ से लेट नाइट वहाँ से आए। तो सामान जैसे पड़ा है वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही और थकान इतनी हो रही है कि क्या बताएं आपसे, सिर्फ थकान ही नहीं उतरी अभी तक हमारा, और सामान सब हमारा टीवी लॉन्च पे फैला पड़ा हुआ है इस वक्त यहाँ पर। अब जो है ना उठेंगे हम, नाश्ता करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं नाश्ते पे। इराम चलो ये काम तो होता रहेगा, आपको अभी पहले मुझे नाश्ता दे दे। चले ठीक है, मैं पहले आपको नाश्ता दे दूं। हाँ फिर आप अपना जो भी काम है करते रहना। जी क्योंकि इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब सामान यहाँ से समेटूं, आपको पता है फिर महरीन भी आती होगी तो इसलिए सफाई वगैरह भी करानी, डस्टिंग इतनी हो रही है। लेकिन अब पहले चाय दे दे, कोई मसला नहीं, पहले नाश्ता कर लूँ फिर महरीन भी आ जाएगी, वो तो रोज आती ही है। नाश्ता में दे देती हूँ। चले ठीक है, चलो नाश्ता कर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कड़क चाय ये देखें। नाश्ते में क्या बना रही हो? कुछ नहीं, डबल रोटी के पीस फ्राई कर रही हूँ। हाँ लेकिन भाई विलेज की बात ही कुछ और है, वहाँ तो वहाँ के एक देसी पराठे खाते हैं जी। और आपको पता है शहर में तो देसी घी अवेलेबल ही नहीं होता है, मिलता ही नहीं है। और अच्छा। हम अपना घी भी राबिया बाजी के फ्रिज में ही भूल गया है। हाँ, जल्दी में वो हमारा घी जो है ना वहीं रह गया। चलो कोई बात नहीं, निकाल कर दिया था, वो भी हमारी बहन है, चले हम खाएं या हमारी बहन खा ले, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, है एक ही बात है और हम एक ही घर के फर्द हैं समझो, चाहे राबिया आप ही हो चाहे हमारी फैमिली हो। तो इमरान पीस का कलर ज्यादा डार्क करना या लाइट? लाइट करना, लेकिन जरा सेक लेना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइट मेरा कच्चा कच्चा सा पन लगता है और मुझे जरा थोड़ा सा डार्क पसंद है कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो चाय में खाने में मजा करता है और अच्छा फील होता है। ठीक है चले तो मैं लेकर आती हूँ। बस इतने दिनों बाद घर में आए तो इतना गंदा घर हो रहा था, पूरे घर में कचरा मट्टी, आपको पता है डस्ट कितनी आ जाती है, तो यहाँ पे सफाई वगैरह करवा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ चुके हैं और अब ये सारे कपड़े वगैरह सब समेटने हैं। ये वाला सूटकेस भी मुझे खाली करना है, ये देखें ये सब अभी भरा हुआ है इसी तरीके से, क्योंकि आते ही बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। उसके बाद फिर पापा में थोड़ा मसरूफ हो गए थे और बस अब ये सारे कपड़े निकालने हैं मुझे और इन्हें वापस अलमारी में ही रखने हैं, हैंगर करने हैं, कुछ कपड़े हैं उन्हें वॉश करने हैं, तो बस ये सब समेट के और फिर आपसे मिलती हूँ। आप जल्दी से सामान सारा समेट लें। जी मैं ये जल्दी से सब काम कर लूँ, चीज़ें चीज़ों की जगहों पर रख दूँ। अच्छा यहाँ पर एक यूट्यूब फैमिली आप सबके लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ है और वो क्या है ये आपको आगे चल के पता चले। जी तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप सबकी ढेरों दुआओं से और आप सबके प्यार मोहब्बत से, इतना आप लोगों ने प्यार दिया है हर जगह से, हर शहर से, बाहर मुल्क तक से लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी हमारे सब्सक्राइबरों ने आपका सत्कार दिया है, उन्होंने बकरा भी काटा था आज जो है ना सुबह, और उन्होंने पापा का सत्कार भी दिया है उन्होंने के, और मेरी दुआएं भी दी और आपको मैंने कहा जल्द से जल्द वो घर आ जाए, तो आप सबकी दुआओं से पापा जो है ना माशाल्लाह आ गए, और सब और दुआएं करिएगा माशाल्लाह इनकी तबीयत और बेहतर हो जाए। घर पर आए हैं तकरीबन 2 घंटे बाद फिर पापा माशाल्लाह से घर पर आ गए हैं, ये अभी पैंटीज वगैरह लगी हुई इनकी, तबीयत थोड़ी बहुत अभी बेहतर है लेकिन अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने पापा से कहा अभी आप ज्यादा बात नहीं करो और मैंने अभी इनको कुछ भी नहीं करने दिया, कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं करने दिए, मतलब आप रिलैक्स करें आराम करें बैठे, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा जब बेहतर फील करें फिर अपने ड्रेस वगैरह सब चेंज करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दिया मेरा, मेरे लिए दुआएं करी, दुआएं की आप लोगों ने, आप सबको दुआओं का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियां दे। आमीन आमीन आमीन।
और पापा को भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरीके से अल्लाह पाक आप सबको भी ढेरों खुशियां दे और आप सब पर आपके वालिदैन का साया सलामत रखे और हमारे सर पे भी हमारे पापा का साया हमेशा सलामत। आमीन आमीन। इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि पार्टी में आपको जाना नहीं चाहिए था, पार्टी में जाना भारी पड़ गया। तो देखें प्लीज इस तरह के हादसे जिंदगी में और फैमिलीज में होते रहते हैं। भाई हमें ऐसा पता नहीं था और हम अपने भाई की खुशी में पार्टी में गए। जैसा कि हम जाते रहते हैं अहमद भाई की, राबिया आपी की और नवाज़ भाई की भी हुई पार्टी, तो हमें ऐसा नहीं पता था कि अचानक हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा। और ये वक्त तो पता, ये हादसा ही हुआ है, ऐसा तो हो जाता है। और लोग कमेंट्स कह रहे हैं कि जी आप जाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए था भाई? ये तो कुछ पता नहीं, दुख तकलीफ है इंसान को हो जाती है अपनी जगह, अब हमें मालूम ही नहीं था इस बारे में और अचानक ऐसा हुआ। दुख तकलीफ तो जिंदगी के साथ चलती रहती है, आज दुख है कल सुख है, बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हर किसी को शिफा दे और सेहत तंदुरुस्ती। और आप सबके दुआएं का बहुत शुक्रिया आप लोगों ने, तो आप सब ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं की और इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, इतना सपोर्ट करते हैं हमें, हमारी टेंशन को अपनी टेंशन समझते हैं और ये सब चीजें देख के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आप इतना सराहते हैं हमें, इतना प्यार मोहब्बत देते हैं, जब हम परेशान थे तो आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, तो वंस अगेन थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारी YouTube फैमिली, आप हमारी फैमिली, YouTube फैमिली नहीं है, हमारी फैमिलीज हैं, है हम जो कहेंगे कि नहीं जी हमारी YouTube फैमिली है। हम आपके साथ अपनी खुशी भी शेयर करते हैं, दुख भी शेयर करते हैं, गम भी शेयर करते हैं, हर चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप हमारी एक फैमिली है, एक फैमिलीज हैं हमारी, अपनी जैसे फैमिलीज होती हैं ऐसे ही फैमिली मेंबर्स हैं आप हमारे लिए। और अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सराहते हैं हमें, इतना प्यार करते हैं, आपके प्यार है ही बदौलत से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं और हमें इतने लोग पसंद करते हैं। आप सबका बहुत थैंक्स अगेन। और अच्छा मैं उस पर कहूँगा कि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कह रहे थे कि हमारा नाम लें, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं उनमें से चंद लोगों का नाम ले देता हूँ। एक अली भाई है और एक मेरे ख्याल से एक नारायणी कागान से एक भाई हैं, वो हमें देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया अली भाई लाहौर वाले, मैंने आपका नाम ले लिया है, जिसका नहीं लिया माजरत के साथ। लेकिन हमारा ये वादा है आपसे कि हम हर व्लॉग में एक से दो से तक सब्सक्राइबर या जो भी हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स हैं उनके जरूर हम वीडियो में लेंगे और एक नई अपडेट हम अपनी वीडियो में ला रहे हैं और जरूर लिया करेंगे। और इसीलिए जैसे ही पापा हॉस्पिटल से आए मैंने फौरन पापा से कहा कि पापा YouTube फैमिली सब आपको बहुत पसंद, देखना चाहती हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके तबीयत पूछ रहे हैं, आपकी कंडीशन क्या है। तो फिर मैंने कहा जरा से आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाया, तो काइंडली आप अच्छे कमेंट करिएगा, ना कि बैड कमेंट करिएगा इसके ऊपर, क्योंकि आप ही को, आप लोग इतने बैठे हुए इनके लिए दुआएं कर रहे थे, तो मैंने कहा जरूर मैं आपके साथ शेयर करूँ उनकी क्या कंडीशन है। तो मैंने अभी भी आप लोगों को, अभी भी पापा को आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा दुआएं करते रहे उनके लिए, अल्लाह पाक उनका साया हम पर सलामत रखे, आमीन आमीन, और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन, और आप सबको भी आमीन। शुक्र है आप पानी देकर आ गए। हाँ वही ले आया, क्या हुआ, गए हुए थे भाई बिलिश, जाहरी बात अब आया हूँ, घर की वही रूटीन शुरू हो गई है, तो हमारे मिनरल वाटर आता है, मिनरल वाटर यूज करते हैं। हाँ तो ये एक बार पीने का मिनरल वाटर है, पानी करवाता हूँ। अच्छा हुआ लेकर आ गए आप, हाँ आपने पानी खरीदा, उनकी शॉप की एक बार पीने की यहाँ नहीं खड़ी है, नाश्ता बाद में वहाँ से पानी ला रहे हैं। सही, और इमरान टैंक तो पूरा खाली है ना। हाँ, खाली पड़ा हुआ है, बेचारे पापा की भी तबीयत खराब हो गई थी, वरना वो बेचारे टैंक कर लेते हैं। हाँ, वो टैंक भर रहे थे, अब मैं आ गया हूँ कल से, दो दिन से जब से आया हूँ तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, पानी आ नहीं रहा यहाँ। हाँ, पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, आज हफ्ता है, आज तो आना ही आना है, देखे इंशाल्लाह आज पानी आ जाए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी सब हो चुका है, पापा की हैसियत भी आप लोगों को पता चल गई है, और बस इसी नाश्ता भी इमरान ने कर लिया है, तो इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाजत मिलेंगे इंशाल्लाह कल के हंसते मुस्कुराते प्यार से ब्लॉग के साथ। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल और हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।